एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में छात्रा पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग कर रही है और अपने परिजनों से अपनी जान का खतरा बता रही है। वहीं पिता ने पुलिस पर मदद ना करने का आरोप लगाया है। छात्रा के पिता ने बेटी ना मिलने पर आत्मदाह करने या फिर मुस्लिम धर्म कबूल कर लेने की बात कही है। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके का है और मेरे मना करने पर भी वो अपनी पसंद के। तो अमरोहा में भी ये मामला आया है। बरेली जैसा बीएससी की छात्रा का वीडियो सामने आया है। मुझे अपने माँ बाप से जान का खतरा है। मैंने अपनी 6 दिन हो चुके हैं। इन 6 दिन में किसी भी एक बच्चे को ये नहीं पकड़ पाए, किसी के घर वालों को नहीं पकड़ पाए, कुछ इन्होंने किया है। अब उधर से उन्होंने उस लड़की पे प्रेशर बना के किस किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं मुझे नहीं पता। उसका उससे वीडियो अपलोड कराई है दो। एक वीडियो में लड़की पढ़ के बोल रही है कि मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। दूसरी में कह रही है, उसी में कह रही है कि मैंने जो अगर मुझ पे या मगन पे कुछ खतरा होता तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। दूसरी वीडियो में मुझसे ये कहलवा जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही लड़की को बरामद करें, उसको पूर्ण न्याय मिलेगा। 7 दिन बीत चुके हैं, इसके बाद पुलिस भी लड़ रही है। पुलिस प्रयास कर रही है, अब ये अलग बात है कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि लड़की शीघ्र बरामद हो जाएगी। जी आज 6 दिन हो चुके हैं। इन 6 दिन में किसी भी एक बच्चे को ये नहीं पकड़ पाए, किसी के घर वालों को नहीं पकड़ पाए, कुछ इन्होंने किया है। अब उधर से उन्होंने उस लड़की पे प्रेशर बना के किस किस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं मुझे नहीं पता। उसका उससे वीडियो अपलोड कराई है दो। एक वीडियो में लड़की पढ़ के बोल रही है कि मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। दूसरी में कह रही है, उसी में कह रही है कि मैंने जो अगर मुझ पे या मगन पे कुछ खतरा होता तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। दूसरी वीडियो में मुझसे ये कहलवा जा रहा है। आप कृपया करके वीडियो की क्लिप देखें बड़े ध्यान से। अगर मेरी बेटी 24 घंटे दो दिन के अंदर ये लोग बरामद नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को नहीं उठाते और बरामद लड़की नहीं होती है, तो मैं या तो आत्मदाह करूंगा और अगर उस चीज से ही बच गया नहीं कर पाया तो मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, मुस्लिम धर्म कबूल करूंगा मैं। राजधानी लखनऊ के सेलिब्रिटी अपार्टमेंट में 30 वर्षीय नेहा कात्यात की अपार्टमेंट से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक स्नेहा के पति अरविंद